चालू हो गया। चलो बेटा, जो लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन किया था कि NH4HS सॉलिड has to give NH3 plus H2S, ये दोनों गैसेस थे, ये भी दोनों गैस, ये भी गैस था, वो भी गैस था, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं ना सब कुछ बता रहा हूँ। क्या था बताओ? यस इस पर है 1 केजी ऑफ सॉलिड NH4HS, ठीक है, इस टेकन इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ वॉल्यूम 80 लीटर, ठीक है, एट 727 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। If pressure development equilibrium is 20 mm, then calculate Kp from this reaction and percentage dissociation NH4HS at this equilibrium. देखो, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा। तो 1000 ग्राम डिवाइड इसका मोलर मास कितना है? तो मोलर मास कितना आएगा? 40 NH4HS का मोलर मास कितना आएगा? बंद करो। NH4HS का मोलर मास कितना है? बोलो। NH4HS का मोलर मास कितना?
ठीक है चलो ये भी नहीं समझ में आता। इनिशियली टोटल मोल्स कितने लिए थे मैंने 20 0 0 20 माइनस x x और x ये अभी आपने निकाला कि टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने फॉर्म हो रहे हैं कितने फॉर्म हो रहे हैं 20 हो रहे हैं इसका मतलब एक x की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी आई बात समझ में तो यहां पे कितना बचेगा 10 ही बचेगा ना 20 माइनस 10 तो परसेंटेज डिसोसिएशन का फार्मूला क्या होता है इनिशियली आपने कितना लिया इक्विलिब्रियम में कितने बच रहे हैं तो आया समझ में आया ना सब समझ में आया ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं Gracias.
is solid. B gas plus C gas plus D gas in partial pressure of T at equilibrium is P1 and calculate. Partial pressure of B and C as well as AP in terms of thank you.
इस बात को आपसे क्या है इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ d एट इक्विलिब्रियम इज t1 इसका मतलब 3p की वैल्यू से किसके बराबर दे दीजिए t1 के बराबर और p की वैल्यू किसके बराबर हो गई t1/3 कर दो वहां पे ये क्या हो जाएगा 2 t1/3 t1/3 और t1 तो kp का इक्वेशन क्या बनेगा बोलो इसका 2p1 का 3 का स्क्वायर इनटू t1/3 इनटू t1 का क्यूब इतना तो कर लेते हैं आठ क्वेश्चन तक है हां कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड सी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इज t1 दिया हुआ है t1 मैंने कितना मान कर d पे 3p 3p की वैल्यू t1 के बराबर है p आ गया t1/3 बस मैंने पुट कर दिया तो b का पार्शियल प्रेशर कितना होगा t1/3 c का पार्शियल प्रेशर कितना होगा t1/3 ये तो पार्ट हो गया मेरा मेरा आ गया चलो सब कुछ समझ में आया अच्छे से समझ में आ रहा है तुमको अच्छा समझ में आ रहा है ना अच्छा पार्ट को नहीं जा रहा हूँ कर ले रहे हैं नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जैसा बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं अल्फा आखिर एक मोल रिएक्टेंट से
जितना वो डिसोसिएट हुआ, जो अभी डिसोसिएटेड हुआ हम क्या मान के चलते हैं x, x by a यही क्या डिफाइन करता है, अल्फा डिफाइन करता है, और ये हमेशा एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, ठीक है, और ये वैल्यू किसके किसके बीच में रहेगी हमेशा, जीरो और वन के बीच में, आई बात समझ में, फ्रैक्शन है ना बेटा, हमेशा जीरो और वन के बीच में, क्या यहाँ इक्वल टू साइन दे सकता हूँ मैं, क्या यहाँ पे मैं इक्वल टू साइन दे सकता हूँ क्या, यहाँ यह इक्वल टू साइन दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता, क्यों बेटा, अल्फा जीरो होने का मतलब, अल्फा जीरो होने का मतलब सोचो क्या होगा, वो पार्ट डिसोसिएटिव ही हो, देखो ना आप उसे सोचो, ये जीरो कब हो सकता है, जब ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, जीरो मतलब नंबर ऑफ पार्ट डिसोसिएटेड जीरो, मतलब रिएक्शन स्टार्टिंग ही बस, मतलब अल्फा वन होने का मतलब क्या हो सकता है, कि ऊपर वाला पार्ट क्या हो चुका है, वन, मानो एडिशन तो वन लिया इनका, ऊपर वाला भी 1 हो चुका है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, मतलब सॉरी 1 माइनस 1 0 नहीं हो सकता, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो 1 हो चुका है, इसका मतलब ये क्या हो चुका है, रिएक्शन 100% क्या हो चुका है, रिएक्शन 100% क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फ्रैक्शन 1 आ रहा है, फ्रैक्शन 1 वाला मतलब पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, a की वैल्यू पूरी 1 आ चुकी है, x की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है, कि रिएक्टेंट 0 हो चुका है, प्रोडक्ट पूरा बन चुका है, तो क्या अभी भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा क्या इसके बीच में, क्या इस बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए रिएक्टेंट भी होना चाहिए और प्रोडक्ट भी होना चाहिए, इस वजह से अल्फा की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती और अल्फा की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, आई बात समझ सकते हो, आया ना, पक्की बात, मैं लिख देता हूं अल्फा 0 होने का मतलब रिएक्शन नॉट स्टार्टिंग, ठीक है, अल्फा 1 होने का मतलब रिएक्शन इज 100% क्या कंप्लीट, सही बात समझ सब लोग, अब अगर मैं बोलूं परसेंट डिसोसिएशन, परसेंट डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, अल्फा इनटू 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो चीज क्या हो जाएगी, अरे फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्या देगा, परसेंटेज ही देगा, समझ में आया सबको, अब एक एक्चुअली इसका यहां पे यूज क्या होता है, एक एग्जांपल से तौर पे समझा रहा हूं, कॉइल्स ऑफ एचआर गैस टेंड्स टू गिव H2 गैस प्लस आयन गैस, ठीक है, अभी भी हमें डीपी से ही करना है, केसी को इनिशियली कहां से, अब पूरा चैप्टर किस पे डील होगा, केपी पे डील होगा, मतलब आपको फोकस सिर्फ किस पे करना है, गैस पे फोकस करना है, जहां गैस है वही आपका कहानी का हीरो है, नहीं बात समझ में, ऑलरेडी ये सारे के सारे किस फेज में, गैसीय फेज में आया ना, अब पहले हम क्या करते थे, t इक्वल टू 0 पे a मान देते थे, ये 0 0 मान देते थे, t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, a माइनस 2x होता था, ये x होता था और ये x होता था, यही तो करते थे हम, यही करते थे ना, kc क्या होता था मेरा, kc बराबर क्या होता था, x2 / a माइनस 2x का होल स्क्वायर, और यही किसके बराबर होता था, kp के बराबर होता था ये वैल्यू, ये करते थे इनिशियली, अब यहां पे आपको थोड़ा पैटर्न क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, पैटर्न क्या चेंज करोगे, मान लो फिर से मैं लिख रहा हूं इसको 2hi गैस टेंस टू H2 गैस प्लस I2 गैस, t इक्वल टू 0 पे a तो लिखना है आपको, ठीक है, अब चीजें आपको अल्फा से डील करनी है, x की जगह आपको किस क्या डील करना है, अल्फा, अब अल्फा कैसे लिखोगे, इनिशियली मोस्ट, देखो फार्मूला क्या होता है, इनिशियल मोस्ट बाय नंबर ऑफ मोस्ट डिसोसिएटेड, तो नीचे इनिशियल मोस्ट कितने थे, ए उधर मोस्ट डिसोसिएटेड कितने हो रहे हैं, 2x, कितने हो रहे हैं, 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगी, x की वैल्यू a अल्फा बाय 2, मानते हो बात को, हां या ना, पक्की बात आया ना, ठीक है, अब यहाँ पे पुट करो t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे a माइनस क्या हुआ यहाँ पे x, x की जगह क्या लिखूंगा, a अल्फा बाय 2, 2 और 2 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस a अल्फा, तो अगर ये a अल्फा है तो 2 के लिए a अल्फा है तो 1 के लिए क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना होगा,
बस अब चीजें आपको क्या करनी है, अल्फा से कनेक्ट करके चलनी है। आई बात समझ में? आया ना? पक्की बात। अब अगेन केपी और केसी सेम एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा यहां बताओ, ए अल्फा बाय 2 इनटू ए अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस ए अल्फा का होल स्क्वायर। तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, ए सॉरी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, इसमें से एक कॉमन ले लो तो बाहर निकल के क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर क्या बच रहा है, अल्फा स्क्वायर बाय 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बनता है, फार्मूला या एक्सप्रेशन जो मान के चलो। अब आपको क्या दिया जाएगा, अब आगे से क्वेश्चन में आपको मोल डिसोसिएटिविटी बोला जाएगा, बोला जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी। केपी दिया हुआ है आपसे, क्या पूछेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये समझ में इन दोनों के पास समझ में आ रही है, इसको ये पॉइंट एक्सप्लेन हो अच्छे से। अबे ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस में हाथ खड़ा करो, नहीं समझ में आए तो दोबारा बोलो, ये नहीं समझ में आए ये तो वैल्यू ऑफ केपी। हां क्या डाउट था अपना लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप कुछ नहीं बेटा, ये मोल्स मैंने किस फॉर्म में लिया, अल्फा के फॉर्म में, वॉल्यूम की तरफ ऐसे भी किया है, यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म नहीं आया क्योंकि डेल्टा एन जी कौन सा केस है, जीरो वाला केस है, तो क्योंकि केपी दिन करें तो ना ही पी टी आएगा ना ही एन टी आएगा, तो यहाँ सिर्फ अल्फा के फॉर्म में ट्रांसफर चलेगा। ऐसा कोई डाउट नहीं आता, सेम चीज है, सब कुछ सेम है, बस एक नया टर्मिनोलॉजी आ जाएगा। अब आपको हमेशा यहाँ a माइनस a अल्फा करना है, यहाँ पे यही चीज रखनी है, यहाँ पे क्या करना होगा, जो स्टोइचोमेट्री होगा वो यहाँ डिवीजन होगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ a माइनस a अल्फा ही लिखना, यहाँ क्या लिखोगे a अल्फा बाय 3, और यहाँ कोई स्टोइचोमेट्री होगा तो वो यहाँ पे क्या चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा। समझ में ही बात सबको, ये पॉइंट समझ में आ सबको अच्छे से समझ में, पक्की बात ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर समझा, जस्ट सपोज करो N2 NS3, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बात समझना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होगा कि पार्ट रिएक्शन हमेशा डिसोसिएशन वाला रहेगा, समझ आया। यहां पे क्या हो रहा है, देखो आप इससे लॉजिक सोचो, HI क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है ना, डिसोसिएट होकर क्या फॉर्मेशन दे रहा है, H2 और I2। तो अगर आप ये सोचो कि N2 + 3H2 twice of -3, क्या यहाँ पे आप अल्फा लगा सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मेशन वाला है, दिस इज नॉट डिसोसिएशन। हाँ ये रिएक्शन रिवर्स करो तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ बस मन में क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आया, सब समझ में आया सबके बाद ठीक है। तो सपोज करें एक एग्जांपल दे रहा है, ट्वाइस ऑफ NS3 मैंस टू गिव N2 + 3H2 है, ये बैटरी पहले तो देखिए कितना बार, तो ये इनिशियली a 0 a माइनस a अल्फा ये कॉमन रहेगा, यहां पे आपको कोई चेंज नहीं करना है, यहां पे क्या होगा a अल्फा बाय 2, यहां पे क्या होगा a अल्फा बाय 2, लेकिन यहां 3 है तो यहां पे 3 से क्या कर दो, बस एज इट इज आपको क्या करना है, फिर केसी केपी का एक्सप्रेशन निकालना है। अब देखो यहां पे ये एक्चुअली मोल्स है, ये है क्या मोल्स ही तो है, तो यहां पे टोटल मोल्स कितना आ रहा है जल्दी बताओ, a माइनस a अल्फा तो माइनस में कितना हो जाएगा, स्क्वायर करो ना 1.5 प्लस 0.5 तो ये अल्फा ना, ये अल्फा और ये क्या हो जाएगा माइनस a अल्फा a प्लस a अल्फा, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे a प्लस a अल्फा, नेट टोटल प्रेशर कितना माना p, तो kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, आप सिर्फ kp से मतलब आप kc भूल जाओ, kp के एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा a अल्फा बाय 2 का 3 a अल्फा बाय 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस a अल्फा का स्क्वायर इनटू p बाय n, p कितना है आपका डेल्टा n क्या है ग्रेटर देन 0 है ना, तो p ऊपर ही रहेगा यहां पे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला p बाय n का पावर डेल्टा n, तो डेल्टा n तो पॉजिटिव है तो प्रेशर ऊपर रहेगा, टोटल मास कितना आएगा नीचे जल्दी बोलो, a प्लस a अल्फा का पावर डेल्टा n कितना होगा यहां पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा g, कितना 2 ना 2 कितनी 2 ना 3 4। आप देखो आपका
पड़ेगा, ये a हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। देख लो a क्यूब इनटू a, ये का पावर 4 है ना, यहां से a कॉमन निकाल दो तो a स्क्वायर, और यहां से भी a कॉमन निकाल दो a स्क्वायर, a का पावर 4, a का पावर 4 सब जगह से a क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नया एक्सप्रेशन निकलेगा आपको k और अल्फा के बीच का, ये आपको कैलकुलेट करना कौन सा कितना निकलता है ये बताना, ठीक है, ये स्क्वायर दिस स्क्वायर पे रहने दो, ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स सबसे जो भी रहता है ये फार्मूला है, यही आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट अप्लाई करोगे शॉर्ट टेक्निक एक तरीके से, समझ अगर आपको फार्मूला याद है, अब आ रहा हूं जेई मेंस में आपको क्वेश्चन ये आगे बोला अल्फा दिया और केपी निकालना है, ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके नहीं निकाल सकते केपी, हालांकि आप डेरिवेशन से भी निकाल सकते हो दैट प्रोसीजर, बट क्या होता है चीजें अगर हमें याद रहती तो कैलकुलेशन क्या होता है फास्ट, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप डिराइव करो फिर निकालो फिर वैल्यू पुट करो, इट टेक्स टाइम, क्योंकि 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का लेवल भी वैसे ही सेट करेगा, क्योंकि आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं करना, आपको फिजिक्स भी करना, आपको मैथमेटिक्स भी करना, आई तो समझ में, चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको केपी और अल्फा के बीच में क्या निकल रहा है, ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं होगा, यहाँ क्या लिखा था, नंबर एस नंबर मोस्ट एसोसिएटेड और फ्रैक्शन, ठीक है, फॉर्मूले के तो हम फिर से बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोस्ट एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन जीरो और अल्फा के बीच क्या होती है, अल्फा जीरो का मतलब क्या होता है रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड, अल्फा वन का मतलब रिएक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन, और कुछ भी नहीं है
लेटर के क्वेश्चन हमने हां निकल गया सर है तो कर लिए तो समझ में आ सकता हो क्या है सबने चलो आप समझ करो यहां पे क्या होगा a माइनस a अल्फा डायरेक्ट टर्म में यहां क्या होगा a अल्फा बीपी के इक्वेशन क्या बनेगा टोटल टोटल होल कितना हो जाएगा a प्लस a अल्फा का होल स्क्वायर बाय a माइनस a अल्फा इनटू b बाय a प्लस a अल्फा a a a a आंसर तो क्या फॉर्मूला बन रहा है ap is equal to alpha square by 1 minus alpha square into ये सब का है ना ठीक है यहां पे क्या होगा a minus a alpha यहां पे क्या होगा a alpha by 2 into 2 a alpha होगा यहां पे यहां पे क्या होगा a alpha by 2 टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे a प्लस a अल्फा बाय 2 ap का एक्सप्रेशन क्या होगा a अल्फा का होल स्क्वायर a अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय a माइनस a अल्फा का स्क्वायर इनटू p बाय a प्लस a अल्फा बाय 2 a a a a a a आंसर आउट हो जाएगा देखो और है नेट फॉर्मूला क्या होगा अल्फा p बाय अल्फा क्यूब बाय 2 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा बाय ये फॉर्मूला बनेगा आया ना अब की बात जब यहां पे क्या हुआ a a माइनस a अल्फा यहां पे क्या होगा ट्वाइस ऑफ a अल्फा टोटल मार्क्स कितने होंगे a प्लस अल्फा कैसे आया केपीएस केपीएस एक्सप्रेशन क्या होगा 2 अल्फा का स्क्वायर a माइनस a अल्फा b बाय a प्लस a अल्फा क्या हो रहा है a a a a आंसर यहां पे क्या बच रहा 4 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू b आया समझ में आया ना अब यहां पे ऐसा स्टार्ट करते हैं ठीक है जैसे अगर रेशियो अगर रेशियो मेरा 2:1:1 में रेशियो मेरा रिएक्शन में गैसेस का रेशियो किस रेशियो में 2:1:1 मतलब लाइक उस तरीके से ट्वाइस ऑफ फ्रैंकाइट टेंड्स टू गिव H2 प्लस I2 2:1:1 या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई गैस ऐसे रिएक्शन में दे ट्वाइस ऑफ AB टेंड्स टू गिव H2 प्लस B2
तो केपी और अल्फा के बीच का फार्मूला क्या होता है? केपी इज इक्वल क्या फार्मूला था इसका? देखो अल्फा बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, कितना फार्मूला निकाला था हमने सबसे पहले। अगर रेशियो मेरा है 1:1:1 मतलब PCl5 tends to give PCl3 plus Cl2। KP का एक्सप्रेशन क्या है, क्या आपको फॉर्मूला बताओ? अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होता है कि 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होता है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर होता है ना। ये फॉर्मूला और मतलब लाइक इस पीस करके A tends to give B gas plus C gas कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूला सब पे एप्लीकेबल है, सब पे मतलब अगर गैसेस का रेशियो 1:1:2 आया सब। अगर मान लो रेशियो मेरा सपोज करो 1:2 के रेशियो में है, मतलब N2O4 tends to give twice of NO2 बराबर, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं A तो गैस कन्वर्ट हो गया twice of A गैस में, कुछ भी 1:2 का रेशियो होना चाहिए। तो KP और अल्फा का रिलेशन क्या हो जाता है मेरा? 4 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू पी, बराबर ठीक है। यदि मेरा रेशियो क्या है 2:2:1 के, कौन सा एग्जांपल दूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ SO3 टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2। देखो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको सारे याद होने चाहिए, बट एटलीस्ट ये तीन चार की गैस है। देखो पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, ये पांच रिएक्शन में घूमता है, SO3 वाले रिएक्शन में PCl5 N2O4 HIO NH3 वाला है, इसके अलावा पांच छठा रिएक्शन हम पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में देखते हैं। अब देखो पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में छह रिएक्शन में कंप्लीट है, देखो देखो आप गौर करके देखो, मैंने इसके अलावा कोई एक्सप्रेशन आपको नहीं दिया है, ये ऑब्जर्व भी नहीं किया था ना, नहीं आता ऐसा ये अल्फा बाय ये अल्फा कांसेप्ट है।
अभी बोला ये कैंसिल हो जाएगा इतना रस अल्फा का अल्फा बाय टू का मॉलिक्यूल बराबर सर्किरी अल्फा बाय टू थ्री अल्फा बाय टू का मॉलिक्यूल बाय वन प्लस अल्फा वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इनटू अभी थोड़ा तो सिंपलीफाई करके देखो कितना आ रहा है वर्ड से समझा सकते हो आया ना पक्का क्या क्या समझ में कर लियो नाटा वाले छोड़ नाटा वाले
temperature. Complete. चला देगा, इसलिए बोल रहा हूँ
लगा लेगा, वरना बीटेक करूंगा मेरा तो ये इट्स बेटर टू क्विट देन अवॉइडिंग वो काम को जो तुम्हारा डर है मतलब पैसा खर्च खर्च के पास लोग रोज करके भी पैसा कमा रहे हैं कुछ भी कर रहा है अच्छा काम कर रहा है अपने फील्ड में परफेक्ट अगर आप घास भी काट उसमें भी परफेक्ट तो आप उसमें भी बहुत अच्छा कमाने वाले कमाते ही हैं माई पॉइंट इज जिस चीज में अच्छा उसमें जबरदस्त है ठीक है आज हम आपका दिन एक बहुत साइज से छोड़ देंगे नहीं तो हम वीडियो को ना बनना है ऐसा नहीं बस डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सी एक सेमिनार में मैं गया था वहां बोला गया था कि ठीक है बॉस यूपीएससी का सेमिनार था वहां के गए सर बोले कि ठीक है यूपीएससी क्या है जो आए सर क्या मतलब जेई भी क्या हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं बट एक से टैलेंटेड बच्चे देखिए 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं अरे 1 लाख तो बच्चे टैलेंटेड रहते होंगे ना उसमें से 1 लाख तो होते ही होंगे ना पूरे इंडिया में से 1 लाख बच्चे को टैलेंटेड नहीं मिलेंगे कि एक से टैलेंटेड बैठे हुए हर साल भी सिलेक्शन कितने बहुत है सिर्फ 10 से 15 रेशियो कितना हो 10:1 10 में से सिर्फ एक ही बच्चा आई टी जाने का बाकी बच्चे क्या करते कहाँ जाते हैं तो इसे कहते हैं यूपीएससी वगैरह के जो पढ़ते हैं ना उनको ऐसे ये सजेशन है कि आप एटलीस्ट एक डिग्री अच्छी रखें अरे क्या हो यूपीएससी नहीं भी निकला तो कम से कम यार आप कोई तो कर लोगे ना अच्छी डिग्री पे आप जो होता है जो बीए वाले होते हैं सिंपल ग्रेजुएशन आर्ट से वो यूपीएससी कर ले तो वो तो भैया क्या इधर भी खट्टा इधर भी खट्टा अगर यूपीएससी नहीं करेगा भैया बहुत अच्छा नहीं निकला तो क्या करोगे बीए से क्या नौकरी मिल जाएगी सिंपल एक ग्रेजुएशन से क्या वैल्यू बीटेक वाले को यार प्रोफेशनल कोर्स वाले को 10 से 15 हजार की नौकरी मिलती है एक बीए की नौकरी क्या है इसका मतलब ठीक है समझ लो मैं तो आपको ये बोल रहा हूं इतना आसान नहीं है नौकरी करना भी इतना आसान नहीं है अरे मैं मेरी कंपनी है मैं किसी को हायर करूं तो मुझे उससे कुछ प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना बिना प्रॉफिट के क्यों तुम हायर कर रहे हो भैया गिव एंड टेक का रिलेशन आज के जमाने में आप जो लोगे वो ही पाओगे इसलिए या तो बहुत अच्छा करो या तो छोड़ो नंबर वन बीच में मत लटके ये बीच वाले होते हैं ना ये कुछ नहीं कर पाते बोला है ये बीच वाला बनना छोड़ दो या तो इधर या तो बिल्कुल इधर बेटा वो सक्सेस नहीं हो पाते लाइफ में एक एम्बिशन होना चाहिए आगे के 5 साल का आपका पता होना चाहिए कि आगे 5 साल मुझे क्या करना है ये साल मुझे क्या करना है ये साल मुझे क्या करना है ये साल मुझे क्या अगले 5 साल का गोल आपको सेट होना चाहिए तब जाके लाइफ में कुछ बनता है जब यूट्यूबर वगैरह जो भी है वो याद रखने की किस्मत है लाखों वीडियो मिलते हैं लाख उसमें से कोई एक ही तो चल पाता है बराबर है आपको थोड़ी ना यार गेमिंग में चलता है पार्ट कॉन्टेंट देखो एक्टर टैलेंटेड इतना है आप कहें देखो कंटेंट भी बनाता है जो भी कंटेंट बनाता है ऐसा नहीं कि कंटेंट रिपीट कर रहा हो मैं हर वीडियो में सिर्फ नया ही कंटेंट करता हूं मालूम चाहे गाली गलत चलेंगे तब प्रैक्टिकल थिंग है गाली गलत चलेंगे जैसे बट नया ही रहता ना उसके लिए तो दिमाग चाहिए ना उसको टैलेंट होगा ना उसके अरे तुम भी तो ऐसा कुछ टैलेंट होगा ना उसको तो हमारा देखो उसको भेजा वाला सुना देता है अच्छा वो चीज करो आप इंजीनियर बनना करो मन लगा के मेहनत करो अच्छा इंजीनियर बनते दिखाओ ऐसा इंजीनियर बनते जाओ कम से कम 2 से 3 लाख रुपये हमारी सैलरी मंथली आज से 5 साल के बाद 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू है एक सिंपल से बड़े सिटी में भी तुम जॉब करो 1 लाख काम कर चुके आजकल पता कौन चलता है पता चलता है क्या एक अच्छे से मल्टीनेशनल ब्रांड के शोरूम में घुस जाओ सारा वगैरह के शोरूम में घुस जाओ एक शिफ्ट का स्टार्ट होगा 5 हजार का स्टार्ट आता है इतना बहुत बड़ा जस्ट बेस्ट करो अपने फील्ड में बेस्ट होना आप जो भी करना चाहते ये बहुत जरूरी है बट इसके लिए कम से कम एक डिग्री लेनी बहुत जरूरी है डिग्री लेने से आपको आपका दिमाग खुलता है क्यों आईआईटी जितने वो होता है उनका आई की सबसे ज्यादा वो जो भी करते हैं उसमें सक्सेस पा लेते हैं जब
जब आप पढ़ना चालू करते हो, जब आप अपना दिमाग यूज करना चालू करते हो, वो सब चीजें इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं कोई चीजें, जब आप मेडिकल बनाना चाहते हो आप सोचोगे ना उस क्वेश्चन के बारे में, यही चीज दो साल में आपको सिखाए सोचना। सोचना बहुत जरूरी होता है। अरे सोच सोच के लोग पता नहीं कहाँ से क्या बनाते हैं। अरे हमारे दिमाग में ही केमी था, हमारे ही दिमाग में घेर फिर है, सब इसी दिमाग का खेल है। सोचोगे तो अमानी भी बन जाओगे, नहीं सोचोगे तो गलत गलत के गलत जाओगे। यही सोच तो इंसान की चेंज करती है। इंसान का वेरिएशन किससे होता है? इंसान का वेरिएशन सोच से होता है। ऐसा सोचोगे बात समझो, सोचिए पढ़िए। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पढ़ना। पढ़ के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर वादल के पास है भाई 25 करोड़ तो ठीक है, लेकिन ना हमारे दो में आराम से जिंदगी निकल जाएगी। अगर नहीं है पढ़िए, उसको बनिए लाइफ में कुछ ऐसा काम ना सिर्फ जिंदगी के लिए जाना कोई सोचेंगे सर, ऐसा कर जाओ कि तुम बातें बनाए के पढ़े। अवकाश से ज्यादा जिस दिन अपने काम पर जाओगे ना, अपने आप अपने आप हिस्ट्री बना दो। औकात, ये औकात वर्ड होता ना, इसको समझिए अपने आप। औकात की औकात से ज्यादा काम किया। चेतन भगत का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मैं इंटरव्यू में नहीं करता, सो मतलब मेरे 10 में से 70% आए थे, तो मेरे मामा वाला सजेशन देने लगे कि एसटीडी वगैरह खोल देंगे और खर्चा पानी चल जाएगा। वही देखो, दो साल उसने अपने आप को कमरे में बंद करके प्रिपरेशन करके आज देखो कहाँ पे हो। एक हफ्ता से ज्यादा काम कर दिया ना उसने। मेरा बस ये मानना है ना, जिस बच्चे में डेडिकेशन होता है ना, जो अपनी हफ्ता से ज्यादा काम करने की ठान लेता है, वो ही हिस्ट्री के गेट होता है। हफ्ता से ज्यादा काम करना होगा जिंदगी अपने आप हिस्ट्री के गेट। ये 4 घंटा पढ़ रहा है तो 8 घंटा पढ़ लेता है। सिर्फ वो चीज दिख, जिस दिन ऐसे बन जाओगे ना कि सिर्फ आईआईटी के अलावा तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, उस दिन आईआईटी को क्रैक कर लेगा सब दोस्त सब। अरे वन के बाद कोई किसी से मतलब नहीं रहता है, दोस्ती या नहीं होता, सब स्वार्थ के रिलेशन आज तक कम नहीं है। देखो ये जर्नी है, ये तुम क्या एक तरह का पैसेंजर, आज वो तुम कल नहीं हो, उन दिन हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और आपके बराबर ऐसे आज दोस्ती कहाँ तक रह गई? इंस्टाग्राम तक ही तो रह गई है, व्हाट्सएप तक ही रह गई। हाँ हेलो बाय बाय हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी, इतने तो दोस्ती है। आज की 24 घंटे की फुर्सत में इंसान अपने माँ बाप से कम से बात नहीं कर सकता। दोस्तों बहुत दूर की बात है, दोस्तों बहुत दूर की बात है। प्रैक्टिकली सोचो तुम्हारी लाइफ तुम्हें भी ना, अपनी लाइफ के चलने में सिर्फ तुम अकेले हो और लाइफ को सर्वाइव करने के लिए यही सबसे सस्ता साथी है। सर्वाइव करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बोला कि मनी इज एवरीथिंग, बट एट सर्वाइव करने के लिए मुझे चाहिए और ये है सब। ये नहीं है कुछ नहीं, ये सच्चाई है। आज हम अंबानी की इज्जत क्यों कर रहे हैं? अंबानी को हम कैसे मानिए? आज इसके एग्जांपल भी दे, ऐसा बोलता वही होता है ना। आई थिंक इज दैट कि जब अगर बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से पापा नौकरी वाले हैं, पापा तुम्हारे कितने साल और काम कर लेंगे? 20 साल 25 साल पकड़ लो, उसके बाद क्या? उसका सोचो पहले। और कहाँ से ज़्यादा जल्दी काम कर लेंगे ना, हर बच्चा आईडी निकाल सकते हैं, हर बच्चा जो डेडिकेशन होना चाहिए उसमें डेडिकेशन आ गया तुम्हारे अंदर, कुछ भी करता हो। हमारे माँ बाप बिलीव नहीं करता कि मेरा बेटा आईआईटी निकाल लिया, क्योंकि वो औकात तुम्हारी भी जानती है। जिस दिन वो औकात पार कर दोगे ना, सब हो चुका है। ये लाइन क्रॉस करना है, फिर तुम डिसाइड करो कैसे लाइन क्रॉस करना है। सिर्फ मेहनत, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ज्यादा मेहनत कर लो, आईटी क्रैक कर लो। एक बार आईटी में घुस गए ना, लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं। बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज।
सिर्फ तुम बीटेक में कुछ भी करके वहां पर कमा सकते हो। आईटी अपने आप में एक बड़ा ब्रांड मानते हैं, मानते हैं अपने आप में ब्रांड है। आप लोग नाव कितने लाख करोड़ पैसे खर्च कर देते हैं सिर्फ इसको अच्छा आईटी चला, ये जानते हैं कि वो स्टेबल स्टेबल लाइफ है। ये औकात कौन दिया था जिन क्रॉस कर गया ना उनको कोई हिट नहीं कर सकता, नोबडी नहीं। तो लेकिन वो जरूरी होता क्या इन चीजों को किस वे में ले। अब तुम उससे सोचो अगर तुमको आई टी क्रैक करना है तो तुम्हारे पास समय कितना बचा है आज, मान लो कितना तारीख है 20 दिसंबर, नेक्स्ट ईयर आपने इसी जनवरी में आपको जेईई का एग्जाम फेस करना है। ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 ईयर सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, ये है कितने 365 डेज, मान लो 380 दिन हम तुम्हारे पास 380 डेज में आपको 34 चैप्टर केमिस्ट्री के, 30 चैप्टर फिजिक्स के, 30 चैप्टर मैथ्स के कमांड करने हैं, तो 90 चैप्टर में ऑल एन एवरेज के दिन में मान के चलता हूँ 4 समय है का। आपको लग रहा है कि आप बहुत मजे में, बट बिलीव मी चुटकी बजाते साथ ये नहीं इतना ना पिछला महीना चुटकी बजाते पिता पता चला क्या 2 महीने बाद तुम नए सेशन क्रिएट हुआ पता चला, ऐसे ही पता नहीं चलेगा जब जेई एग्जाम आएगा। तब बोलते रहते आपके भैया बहुत समय हमने जो इंसान समय की कीमत नहीं समझता ना समझ के कदर करो। तो कहते हैं इस दुनिया में या आज के समय में मैं आपको अपना समय दिया हूँ मेरा पैसा दूँ बात बराबर, मेरा समय ही पैसा नहीं, बस समय की कीमत नहीं है और बात मत करो लाइफ में हाथ मत ले के अलावा कोई ऑप्शन अभी आपको शायद मैं भी नहीं समझ पाया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ पा रहे। 5 साल बाद जस्ट वेट फॉर 1600 डेज, ज्यादा दिन नहीं 1600 दिन काउंट कर 1600 दिन, कितने दिन 1600 डेज। 1600 डेज के बाद जब डिग्री लेके घूमते हुए लोगे ना नौकरी के लिए तब तुमको मैं याद आऊंगा कि आप समाज सदस्य सही काम कर रहे हैं। अगर आज कुछ अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे थे आज का मजा ही कुछ instead of wasting your time, chase your dream. मैं सपने के पीछे भाग तो क्या हो? A genius with a plan can meet anyone, लेकिन a genius without a plan is a dumb. मेरे नजर में बहुत बड़ा कथा है। लेकिन अगर कोई कथा एक planning के साथ चलता है, किसी भी genius को beat कर सकता है। Planning बहुत जरूरी होता है। आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आपके पास कुछ एक एक दिन का समय एक एक दिन की कीमत समझो, ये समय दोबारा लौट के नहीं आना है। यही 2 साल बच्चे का डिसाइड करता है कि वो BMW की घूम गया टाटा नहीं, ये 2 साल ये 2 साल डिसाइड करें कि बस के चक्के खाओगे या प्राइवेट जेट्स में जाओ, यही 2 साल डिसाइड। Totally depends on you क्या उन चीजों को किस तरीके से लेके जाओ। Totally depends। अगर ना, ठीक है? तो I hope so थोड़ा वो change देखो ना, एकदम इतना seriousness ना। याद करो ये 5 मिनट का time हो, याद करो। समझो तुम्हारे पास 5 मिनट इस भी याद करके दिखाओ। याद करो 5 मिनट, याद करके दिखाओ। Thank you.
application of human report ka okay please kare bhai formulas ko yaad karte hain uske baad questions karenge and ho sake to sabke paas main expect karta hu ki at least book nahi to hai jobs karwa lijiye level 1 ke at least